मैं रानी साबत हूँ एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड वेलकम टू माय चैनल रानीज़ डिज़ाइन एंड टेकर। मैं बिकॉज आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आई एम ऑल्सो आई एम अ फर्नीचर डिज़ाइनर। आई मेक ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमाइज फर्नीचर एंड अगेन बिसाइड्स मेकिंग ब्रांड न्यू फर्नीचर्स आई ऑल्सो अपग्रेड ओल्ड एंड प्री लव फर्नीचर पीसेस। आप मेरे घर में जो मोस्टली जो होती है फर्नीचर पीसेस होती है मैंने खुद बनाया हुआ होता है एंड बाकी होती क्या है कि हमारे हेयरलूम पीसेज जो होती है घर की आई मीन फ्रॉम माई जनरेशन जो आता है वही मेरे घर में आपको देखेंगे। तो बिकॉज आई बिलीव इन सस्टेनेबल लिविंग हर चीज़ में मैं पुराना चीज़ जो है उसी को रीयूज करती हूँ, रिपर्पज करती हूँ, रिसाइकिल करती हूँ एंड बिकॉज आई बिलीव इन दैट एंड इसीलिए हम मेरे घर में मैं कोई चीज़ ऐसे फेंकती नहीं हूँ यूजुअली, कोई उसी में से कोई कोई यूजफुल चीज़ मैं देखती हूँ फिर उसी को मैं बनाती हूँ। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू द एंट्रेंस फॉयर ऑफ माय होम। जैसे मैं जहाँ से आई दिस इज द एंट्रेंस फॉयर ऑफ माय होम, दिस इज 5 feet by 10 feet एंट्रेंस फॉयर एंड दिस डोर लीड्स टू माय लिविंग रूम एंड दिस इज माय ऑफिस ऑल्सो and from here only our dining area starts and before going for the living room this is a gallery wall main usko create kiya hu and this is my sustainable gallery wall. kyun sustainable gallery wall hai main wo bhi aapko samjhaungi and थोड़ी पहले मैं अब ऐसे दिखाती हूँ दूसरी पिक्चर दिखा के आपको समझाऊंगी क्यों ये सस्टेनेबल गैलरी वॉल मेरा है। एंड कुछ दिन पहले मैंने देखा होगा आपको मैंने कैंडल बनाना मैंने बनाती हूँ क्योंकि मैं कि हर चीज़ में जो यूज़ करती हूँ अपना खुद का बनाया हुआ मोस्टली होता है, नॉट हमेशा हर चीज़ लेकिन यहाँ मोस्टली चीज़ें मिली होती है। मैं आई ऑलवेज ट्राई आउट न्यू थिंग्स, घर की छोटी मोटी चीज़ हो जैसे डेकोर पीसेस होता है, फर्नीचर होती है एंड एवरीथिंग आई ट्राई टू, मेरी ड्रेस होते हैं, मेरी हर चीज़ होती है। जैसे ये लैम्प पीसेस होती है, दिस इज अ टेबल लैम्प एंड दिस वन इज ऑल्सो अ टेबल लैम्प, उसको आपको आराम से दिखाऊंगी, डिटेल में दिखाऊंगी। दिस वन इज ऑल्सो अ टेबल लैम्प जो कि हमने अपना बनाया हुआ है और वो भी जो जैसे एक्स्ट्रा पीसेस जो होती है वुडन पीसेस, मेरे जो वुड पीसेस फर्नीचर बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीसेस बन जाते हैं, लकड़ी का पीसेस बन जाता है, उसी में से मैं सब चीज़ें बनाती हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने कैंडल्स बनाया था, मैंने कैंडल्स बनाया हुआ था एंड कैंडल्स ऑल्सो बहुत कम ईजीली बहुत जल्द में बन जाती है, कोई टाइम नहीं लेता। मैक्सिमम अगर आप उसको सेट करके फ्रिज में रख देंगे तो हाफ एन आवर में वो सेट हो जाता है और नहीं बाहर अगर रहता है तो डिपेंडिंग अपन द वेदर फिर वो लगता है 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम वो तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे वो जो कैंडल्स हमने बनाए थे वो कैंडल को मैंने किस तरीके से अपने एंट्रेंस फॉयर है, बिकॉज दिस इज द एंट्रेंस फॉयर, एनीबडी कम्स जैसे आते ही पहले इसी को देखेंगे एंड आई ऑलवेज से योर पर्सनैलिटी, योर होम डेकोर एंड एवरीथिंग, आई मीन योर होम डेकोर, योर घर किस तरह सजाया हुआ है, क्या क्या चीज़ आपने यूज किया हुआ है, दैट ऑलवेज शोज योर पर्सनैलिटी, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उसको दिखाया एंड अभी हमने वो कैंडल उसी कैंडल को जला के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रखूंगी, सजा के रखूंगी। इवन यहाँ हमने जो फूल भी सजा हुआ है वो भी मेरे गार्डन की है फूल और इतना अच्छा क्योंकि ये जैसे जिंजर लिलीज होती है एंड आपकी रोजेज होती है, इनकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, नेचुरल फ्रेग्रेंस जो होती है, इसी को मैं सजाती हूँ क्योंकि एनीबडी एनीबडी कम्स तो आपकी कोई रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं होती है, दे वॉक एज अ रूम फ्रेशनर ऑल्सो, इतनी अच्छी खुशबू होती है। तो वो करती है वो सब आपको दिखाऊंगे एंड मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज, जैसे कि जो भी हमने बनाया हुआ है व्हाई दिस इज सस्टेनेबल वॉल एंड गैलरी वॉल, ये सब आपको समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ माई गार्डन एरिया एंड टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन टूडेज वर्ल्ड। Sustainability consists of fulfilling the requirements of current generation without compromising the needs of the future generation and able to maintain at a certain level and also ensuring a balance between various growth, environmental care and social well-being. आज हम जब अपने होम डेकोर के बारे में बात करते हैं ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल
सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है और ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम घर के पुराने फर्नीचर डिस्कार्ड करके नए खरीदते हैं तब पुराने फर्नीचर लैंडफिल में जाके एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है और न्यू फर्नीचर के लिए जो वुड चाहिए होता है वो भी जंगल के पेड़ काटने से ही आता है और जब ये एक्सटेंसिव मात्रा में होती है दैट ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। सो समझदारी इसी में है कि हम पुराने सेम फर्नीचर को अप रिफर्विश अपग्रेड एंड रिसाइकिल करते एंड एटलीस्ट ट्राई टू डू सो एंड बी एन एग्जाम्पल फॉर आर ओन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर आर फ्यूचर जनरेशन। विंटेज एंड फ्री लव फर्नीचर अपसाइकल फर्नीचर ऑल्सो एड्स टू अ नॉस्टैल्जिया एंड क्रिएट एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म इन योर होम डेकोर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। Few days back, I had made some aroma candles and here I am lighting those candles to use them on my gallery wall to see the effect. When you make something handmade and use them for decor purpose, they not only look good but also give tremendous amounts of self-satisfaction and happiness also. And now, why is this my sustainable gallery wall? It is because all the wooden pieces are teak wood pieces and they were sourced from various projects that I had undertaken. And I have done texture paste design pattern on the wall shelf and wall planter holder. A coat of walnut polish used on the arch-shaped teak wood wall art frame, keeping its original shape and size intact. And that also give a character and gel very well with the other whole decor of the 27 feet long gallery wall. The 6 feet high traditional floor lamp is made up of leftover or unused corner piece of teak wood timber, and I just fixed another piece on top and fixed a lampshade and with fixtures. I didn't make any change in the shape and size, and the only thing I did that I added or I painted Sora painting on it with the help of a local artisan. This Sora painting or icon hold religious significance for the Sora tribals of Orissa. This rural art are made on happy occasions like childbirth, marriages, griha pravesh and harvest, etc. The table lamp was originally wooden planter stand, and I approached a local cane weaver and got this weaving pattern done using Malaysian cane or rattan, and added a light fixture on it to create this ethnic lamp. And the teak wood console table or sideboard is a vintage piece of furniture, and I have upgraded it by changing all the fixtures and gave it a distressed paint finish to go with the whole decor. Hope you liked the video, and if you like it, then please subscribe to my channel, like, comment and share it with other people.